हेलो दोस्तों, मैं विश्वांग भारद्वाज, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम मैं दिखाऊंगा एग्जाम पेपर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्निकल पेपर के 2016 में जो पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन से आगे के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। पुराने क्वेश्चन नंबर 24 तक आप मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, आगे मैं 25 नंबर क्वेश्चन से आपको नए क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होंगे। और मेरी वीडियोज के साथ आपको अब मिल रहा है पीडीएफ फाइल्स के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल्स के लिए लिंक मिल रहा है, जिससे कि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आप जो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का आपके लिए नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 से। स्लेट के आकार का ढलवा हल प्रयोग किया जाता है, तो जो ढलवा हल स्लेट के आकार का होता है वो चिपचिपी भूमि में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस पर चिपचिपी जो भू मृदा होती है वो जल्दी चिपकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न कौन सा जल प्रसीतित इंजन का भाग है, तो जो रेडिएटर होता है वो जल प्रसीतित इंजन यानी कि पानी द्वारा ठंडा की वाटर कूलिंग इंजन का भाग होता है, वो रेडिएटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रैक्टर में डिफरेंशियल का कार्य होता है, तो ट्रैक्टर में डिफरेंशियल का कार्य जो होता है वो पीछे के एक पहियों को धीमा या तेज चलाने के लिए, जब हम कहीं मोड़ पे ट्रैक्टर वगैरह मोड़ते हैं तो हमें एक पहिए में कम रोटेशन और दूसरे पहिए में ज़्यादा रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब डिफरेंशियल जो होता है उसका वही यूज में आता है, जो बाहर की साइड वाले पहिए में ज़्यादा रोटेशन देता है और अंदर के पहिए में कम रोटेशन देता है, इसलिए पीछे के एक पहियों को धीमा या तेज चलाने का कार्य डिफरेंशियल करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इंजन के किस भाग में बाष्पीकृत होकर वायु से मिश्रित होता है, यानी जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें ईंधन इंजन के किस भाग में बाष्पीकृत होकर वायु से मिश्रण करता है, तो वो होता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में जो पेट्रोल होता है वो बाष्पीकृत होकर वायु से मिश्रण बनाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, 2016 के पेपर का मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, तो आगे भी ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले पेपर में फंस सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चतुर्घात चक्र इंजन में निकास वाल्व VDC से कितने पहले खुलता है, यानी जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में एग्जस्ट वाल्व जो होता है वो बॉटम डेड सेंटर यानी VDC से 40 डिग्री पहले खुलता है, जो एग्जस्ट वाल्व जो होता है वो VDC से 40 डिग्री पहले खुलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप एवं इसके भाग स्थित होते हैं, तो जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें पंप और उसके भाग कहाँ पर स्थित होते हैं, तो उसके भाग ट्रैक्टर के पिछले एक्सल पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पवन चक्की पानी तभी उठाती है जब वायु वेग, यानी पवन चक्की के लिए मिनिमम वायु वेग कितना होना चाहिए पानी उठाने के लिए, तो वो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक कम से कम होना चाहिए, तभी पवन चक्की पानी को उठाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, उच्चतम क्षमता थ्रेसर में गेहूं की मड़ाई करने के लिए कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो उच्चतम क्षमता थ्रेसर है, गेहूं की बाली से दाने निकालने वाली मशीन जो है थ्रेसर है, तो उससे जब मड़ाई करते हैं तो हमें कितने प्रतिशत तक ही नमी जरूरी होती है, तो वो होती है 15 से 20%, अधिक नमी होने पर सही से दाने वाली से नहीं निकल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंजन के किस हिस्से में द्रव ईंधन को ऑटोमाइज करके वाष्प बनाने के पश्चात हवा के साथ मिश्रण बनाते हैं, तो इंजन के जब हवा के साथ मिश्रण जो बनाया जाता है वो पेट्रोल इंजन में बनाया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में ये कार्य कार्बोरेटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
क्वेश्चन नंबर 34 है, हल का कौन सा हिस्सा घास को काटने तथा हल को जाम होने से बचाता है? तो वो है कोल्टर। कोल्टर जो है हल को जाम होने से और घास को काटने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैम शाफ्ट किस धातु से बनी होती है? तो जो कैम शाफ्ट होती है वो फोर्ज्ड स्टील और ढलवा लोहा से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बायोमास गैसीकरण से उत्पन्न गैस है? तो बायोमास गैसीकरण से जो उत्पन्न गैस है वो उत्पादक गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बायोगैस संयंत्र में बायोमास डालते समय बायोमास का मिश्रण इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि मिश्रण में CN अनुपात का मान हो 25 से 30, 25 से 30 तक CN अनुपात का मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, पवन चक्की में चक्की के रोटर को घुमाने हेतु प्रभावी बल, यानी पवन चक्की में चक्की के रोटर को जो घुमाता है तो वो क्या प्रभाव उस बल को कहते हैं? उसको लिफ्ट फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन सा पदार्थ बायोगैस पैदा करने के लिए कच्चा माल नहीं है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं पेपर में, जिसमें से इस राइट आंसर हमारा कोयला है, क्योंकि कोयला जो होता है वो बायोगैस पैदा करने के लिए हमारे कच्चा माल के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम गोबर, पानी, मूत्र आदि उपयोग में लाते हैं, घास ये वगैरह, पत्ते वगैरह उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पवन ऊर्जा का उपलब्ध स्वरूप है, पवन ऊर्जा का जो स्वरूप हमें उपलब्ध होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यानी 41 नंबर है, चतुर्घात चक्र इंजन में पिस्टन को हेज सेंटर से क्रैंक सेंटर तक जाने में क्रैंकशाफ्ट घूमता है, यानी जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें पिस्टन को हेड सेंटर से क्रैंक सेंटर तक जाने में क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो आधा चक्कर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन है, 3 सिलेंडर वाले चतुर्घात चक्र इंजन में सांकेतिक अश्वशक्ति की गणना की जाती है। तो 3 सिलेंडर वाले चतुर्घात यानी फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, चाहे वो 1 सिलेंडर हो, 2 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, उसके लिए जो अश्वशक्ति ज्ञात करने की गणना की जाती है वो प्लान बटे 4500 × N/2 होता है, यानी P into L into A into N/4500 × n/2, ये फोर स्ट्रोक इंजन के लिए गणना सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दहन इंजन में ईंधन के जलने से उत्पन्न कुल ऊष्मा जो उपयोगी कार्य में इस्तेमाल किया जाता है तो वो 1/4 भाग ही उपयोगी कार्य में उत्पन्न हो सकता है। जो अंतर्दहन में कुल ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका 1/4 भाग ही हम उपयोगी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निश्चित भार के इंजन के लिए चतुर्घात चक्र इंजन की तुलना में दुघात चक्र इंजन उत्पन्न करेगा अधिक शक्ति। अगर हम कोई इंजन जो है वो निश्चित भार पे चलाते हैं तो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वनस्पतियों से प्राप्त स्नेहक निम्न के लिए उपयुक्त होते हैं? तो जो हमें वनस्पतियों से यानी वेजिटेबल्स ऑयल जिन्हें हम बोलते हैं, वो उसने उनसे जो स्नेहक बनता है वो हमें छोटे तथा सरल उपकरण के लिए उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ट्रैक्टर इंजन का लुब्रिकेशन तंत्र निम्न दबाव उत्पन्न करता है? तो ट्रैक्टर इंजन का जो लुब्रिकेशन तंत्र होता है वो 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि द्रव की श्यानता अधिक होगी तो उसका बहाव मंदन होगा, क्योंकि श्यानता अधिक होने से उसमें गाढ़ापन अधिक होगा और अधिक गाढ़ा द्रव जो होगा तो उसका बहाव जो है वो कम गति से होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेडिएटर में उबलते पानी का तापमान निम्न स्तर तक बढ़ता है? जो रेडिएटर होता है जो वाटर कूलिंग सिस्टम में अपनाया जाता है तो उसमें उबलते पानी का तापमान जो होता है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
आईसी इंजन में आमतौर पर उपयुक्त शीतलन प्रणाली। आईसी इंजन जो इंटरकम्बशन इंजन होते हैं, अंतर दहन इंजन होते हैं, उनमें आमतौर पर जो प्रयुक्त शीतलन प्रणाली प्रयुक्त की जाती है उसे थर्मोसिफोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बैटरी में निम्न होती है, तो बैटरी में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्लेटें होती हैं। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन तक मैंने आपको इस वीडियो में पूरे किए हैं, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन आए थे 2016 के एग्जाम पेपर में। सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा और भी बहुत सारे आपके लिए वीडियोज मैं लेकर आता रहूँगा, बहुत सारा सिलेबस है मेरे पास आपके लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी सुधार की आपको लगता है या कोई भी गलती लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।